जननी की अस्थि भस्म बनी आधार, दादा गुरु सदी का सबसे जीवन संदेश। जननी की भस्म से सहस्त्र देव मूर्ति को प्रकट करने की आदर्श जीवंत मिसाल। महायोगी दादा गुरु ने जननी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए सदी की एक नव आदर्श परंपरा की शुरुआत करते हुए कहा कि माँ की अस्थि विसर्जन के लिए नहीं, सृजन का आधार बनेगी। अब माँ की अस्थि भस्म हस्ति बनाएगी, संकट संक्रमण का नाश करेगी, सृजन शक्ति प्रकट होगी। माँ की भस्म राख से जब मिट्टी से सृजन किया, प्रकृति भी बोल पड़ी धन्य है माँ जिसने ऐसा समर्थ जना। अस्थि विसर्जन के लिए नहीं, सृजन का आधार बनेगी। इस प्रकृति की दी सांसों का है मानव कर्ज चुकाना है, खुद अपनी सांसों की खातिर तुमको यह फर्ज निभाना है। नर्मदा पथ के महायोगी दादा गुरु का विगत 32 माह से अखंड निराहार महाव्रत साधना, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली व्यवस्था और विकास संरक्षण संवर्धन के साथ सदी का सबसे बड़ा प्रकृति पर्यावरण के लिए पूर्ण समर्पित सबसे बड़ा सेवा महाव्रत। जननी की अस्थि भस्म बनी आधार, दादा गुरु सदी का सबसे जीवन संदेश। जननी की भस्म से सहस्त्र देव मूर्ति को प्रकट करने की आदर्श जीवंत मिसाल। महायोगी दादा गुरु ने जननी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए सदी की एक नव आदर्श परंपरा की शुरुआत करते हुए कहा कि माँ की अस्थि विसर्जन के लिए नहीं, सृजन का आधार बनेगी। अब माँ की अस्थि भस्म हस्ति बनाएगी, संकट संक्रमण का नाश करेगी, सृजन शक्ति प्रकट होगी। माँ की भस्म राख से जब मिट्टी से सृजन किया, प्रकृति भी बोल पड़ी धन्य है माँ जिसने ऐसा समर्थ जना। अस्थि विसर्जन के लिए नहीं, सृजन का आधार बनेगी। इस प्रकृति की दी सांसों का है मानव कर्ज चुकाना है, खुद अपनी सांसों की खातिर तुमको यह फर्ज निभाना है। नर्मदा पथ के महायोगी दादा गुरु का विगत 32 माह से अखंड निराहार महाव्रत साधना, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली व्यवस्था और विकास संरक्षण संवर्धन के साथ सदी का सबसे बड़ा प्रकृति पर्यावरण के लिए पूर्ण समर्पित सबसे बड़ा सेवा महाव्रत। जननी की अस्थि भस्म बनी आधार, दादा गुरु सदी का सबसे जीवन संदेश। जननी की भस्म से सहस्त्र देव मूर्ति को प्रकट करने की आदर्श जीवंत मिसाल। महायोगी दादा गुरु ने जननी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए सदी की एक नव आदर्श परंपरा की शुरुआत करते हुए कहा कि माँ की अस्थि